हाँ दोस्तों, कैसे हो? काफी लंबे समय से मेरे मन में एक विषय चल रहा था कि मैं इसको लेकर आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन इसको मैं कॉमेडी तौर पे भी प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन यह विषय स्वच्छता के साथ साथ हमारी माँ बहन बेटियों के सम्मान के साथ में भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसका मजाक नहीं बना सकता। आज महिला दिवस है तो मुझे लगा कि आज सबसे अच्छा समय है इस विषय में बात करने के लिए। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे शहर से बाहर हाईवे पर, या जो शहर से बाहर रोड है उन पर गाड़ियां रोककर बेशर्मी से पेशाब करने वाले बेशर्मों की। मेरा महीने में 2 से 3 बार उज्जैन जाना होता है। उस समय मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी सभी लोग मेरे साथ में होते हैं, और उस समय ये बेशर्म लोग रोड के किनारे ही गाड़ी खड़ी कर बेशर्मी से पेशाब करना शुरू कर देते हैं। वो अंदर झाड़ियों में भी जाना पसंद नहीं करते और ना कभी कोशिश करते कि हम अपने आप को छुपा कर ये हरकत करें। इन घटिया और नीच लोगों की नीचता देखकर बड़ी महिलाएं तो अपने आप को इग्नोर कर लेती हैं इस विषय से, लेकिन जो हमारे साथ में छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान भटकाना पड़ता है इधर उधर दूसरी चीजों में ध्यान लगाकर। मगर इन बेशर्मों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम उनकी सगी माँ बहन और बेटी नहीं हो। अरे बेशर्मो, क्या तुम अपनी सगी माँ बहन बेटियों के सामने ये हरकत करके दिखा सकते हो? तो फिलहाल मेरे पास में कोई शब्द नहीं है इन बेशर्मों की बेशर्माई की तारीफ करने के लिए। इसके लिए 3 बातें हैं मेरे पास में। सबसे पहली तो ये कि अगर आपके पास में यह वीडियो आ चुका है तो इसको देखने के बाद में मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा आपको कितना भी इमरजेंसी होगा आप इस तरह की नीच और घटिया और बेशरम हरकत नहीं करेंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने हर जगह सार्वजनिक शौचालय और पेशाब घर बना रखे हैं, और अगर वो भी आपको ना मिले तो हर हाईवे पर कुछ कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप आते हैं, तो गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है कि हर पेट्रोल पंप पर शौचालय और पेशाब घर होना जरूरी है। भले आपको पेट्रोल ना भी डलवाना हो, लेकिन आप बेरोक टोक जाके वहां पर अपना काम निपटा सकते हो। और तीसरी बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का और जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था इस विषय पर, ताकि इस पर कुछ ठोस कदम उठाए जा सके और इसको लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा सके, ताकि हमारी माँ बहन बेटी सम्मान के साथ रोड पर निकल सके और उनके सम्मान की रक्षा हो सके। जय भारत, जय हिंद।